ऑल मूवी लवर्स, वेलकम टू माय चैनल सिनेमा बातचीत। होप यू ऑल आर कीपिंग अप सेफ। और आज मैं श्रेया आपके साथ डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 7th मूवी को शेयर करने जा रही हूँ। और ये मूवी है एक बहुत ही क्यूट सी सुपर हीरो की, एंड आई गेस डीसी लवर्स ने अभी तक इस मूवी का नाम गेस कर लिया होगा। ये मूवी का नाम है शज़ाम। शज़ाम एक अमेरिकन सुपर हीरो की मूवी है, और इस मूवी में एक टीनेजर बिली बैटसन की कहानी को दर्शाया गया है कि कैसे उसको एक सुपर हीरो बना दिया। एक एंशियंट विजर्ड ने उसको चूज किया और उसके अंदर इतनी पावर्स डाल दी, और उसको कैसे शज़ाम बोलने से इतनी सारी पावर्स मिल जाती हैं। मूवी की समरी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर्स के लिए काफी अमेजिंग गिव अवेज चल रहे हैं। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार ही आए हैं और आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट्स दें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। अब सीधा चलते हैं शज़ाम की समरी की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग होती है ईयर 1974 से। तब एक सुनसान रोड पे एक कार आती दिखाई देती है जिसमें दो बच्चे अपने पिता के साथ होते हैं, और एक बच्चा जिसका नाम है थेडियस सिवाना, वो एक मैजिक बॉल से खेल रहा होता है। और तभी अचानक से उसका भाई उससे वो बॉल छीन लेता है, और सिवाना बहुत गुस्सा हो जाता है और रोने लगता है। और तभी उसके पिता उसे कहते हैं कि हर चीज़ के लिए रोना ठीक नहीं है, जो चीज़ चाहते हो उसे छीनना सीखो। और सिवाना चुप हो जाता है, और उसका भाई उसे वो मैजिक बॉल वापस कर देता है। और जैसे ही वो बॉल से दोबारा खेलने लगता है और वो बॉल को देख ही रहा होता है, और उसे कुछ सिंबल्स दिखाई देते हैं और दिखाते हैं कि वो कार में बिल्कुल अकेला है। और तभी वो एक गुफा में पहुँच जाता है, और वहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उस गुफा का मालिक होता है, जिसका नाम होता है शज़ाम, और वो जगह थी रॉक ऑफ एटर्निटी। और वो बूढ़ा आदमी एक विजर्ड होता है, और वो सिवाना से बोलता है कि वो एक ऐसे इंसान की खोज कर रहा है जिसका हार्ट बिल्कुल प्योर हो और वो ही मेरी शक्तियों का वारिस बन सकता है, पर उन शक्तियों को पाने के लिए उसे एक टेस्ट पास करना होगा। विजर्ड सिवाना का टेस्ट शुरू करता है और उसे पहले 7 डेडली सिंस के बारे में बताता है, और ये 7 डेडली सिंस ही हैं जो इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो इंसान मेरी पावर्स लेगा वो इंसानों को प्राइड, जेलेसी, ग्रीड, हेटर, लेजीनेस, सेल्फिशनेस और इनजस्टिस से बचाएगा। और विजर्ड उसे बोलता है या तो तुम मेरी पावर्स ले सकते हो या वो बॉल ले सकते हो और बहुत पावरफुल बन सकते हो, पर सिवाना 7 डेडली सिंस को चूज करता है, और विजर्ड उसे वापस कार में भेज देता है। सिवाना कार में पहुंचने के बाद अपने भाई और पिता को रॉक ऑफ एटर्निटी और विजिट के बारे में बताता है, पर वो उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। तब वो बहुत चीखता और चिल्लाता है और कहता है कि उसे वो पावर्स चाहिए, और वो कहता है कि वो ही है जो इन पावर्स को डिज़र्व करता है। और इस सारे क्योस में गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें सिवाना के फादर को बहुत चोट लगती है और उनकी टांगें पूरी तरह से ख़राब हो जाती हैं, और सिवाना का बड़ा भाई इस सब का ब्लेम उस पर डाल देता है। और तब दिखाते हैं कि 7 डेडली सिन सिवाना को उन्हें ढूंढने के लिए मैसेज भेजते हैं। उसके बाद मूवी का सीन स्विच हो जाता है फिलाडेल्फिया में, और मूवी अब बहुत साल आगे बढ़ चुकी है। तभी एक 14 साल के लड़के को दिखाते हैं जिसका नाम है बिली बैटसन, और दिखाते हैं कि वो 10 साल से अपनी माँ को ढूंढ रहा है। वो अपनी माँ के साथ एक मेले में गया था और उनसे बिछड़ गया था, और तब से वो 5 फॉस्टर होम से भाग चुका है और अपनी माँ को जगह जगह ढूंढ रहा है। वो इस सीन में भी पुलिस कार में बैठ के एड्रेस निकालता है और खूब एक्साइटेड हो जाता है कि इस एड्रेस पर उसे उसकी माँ मिल जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। और वो इस एड्रेस में पहुंचने के बाद एक लेडी को मिलता है और बहुत डिसअपॉइंट होता है अपनी माँ को वहाँ ना पाकर। पुलिस आके बिली को पकड़ लेती है और एक फॉस्टर होम में ले जाती है, और अब बिली को उसका नया फॉस्टर होम मिल गया है। विक्टर और रोज़ा इस फॉस्टर होम के केयर टेकर्स हैं, और ऑलरेडी उन्होंने 5 बच्चों को अडॉप्ट किया है। विक्टर और रोज़ा बिली को सबसे इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैरी, पेड्रो, यूजीन, डार्ला एंड सुपर हीरो एंथुजियास्टिक फ्रेडी। सब बिली से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसका वेलकम करते हैं, पर बिली उनसे मिलकर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हो पाता क्योंकि वो अभी भी अपनी माँ को ढूंढ रहा है और इन सब को अपनी फैमिली नहीं मान पा रहा। तभी सीन स्विच होता है थेडियस सिवाना की तरफ, जो बड़ा हो गया है और वो अभी भी 7 डेडली सिंस को ढूंढ रहा है।
और उसके लिए वो सभी लोग जो रॉक ऑफ एटर्निटी में गए थे विजिट के बोलने पर, उन पर रिसर्च कर रहा है। एक दिन जब एक लेडी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी, तब सिवाना को एक गाड़ी में दोबारा कुछ सिंबल्स दिखते हैं और वो उनका सीक्वेंस क्रैक कर लेता है और एक दरवाजे पे सारे सिंबल सीक्वेंस को लिख देता है। वो इसके बारे में अपनी एक कोलीग से भी डिस्कस करता है, पर वो इस पर ट्रस्ट नहीं करती और इन सब का मजाक बनाती है। और जैसे ही वो अपना हाथ उन सिंबल्स पे मारती है, वो राख हो जाती है। और उसके बाद दिखाते हैं कि सिवाना रॉक ऑफ एटर्निटी में एंटर हो जाता है और उसे वहाँ वही विजिट दिखता है और सिवाना किसी तरह से वहाँ से आई ऑफ सिन चुरा लेता है और विजिट उसे रोकने की कोशिश भी करता है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और सिवाना आई ऑफ सिन को अपनी आँख में डाल देता है और बहुत पावरफुल बन जाता है और सेवन डेडली सिंस को वहाँ से लेकर चला जाता है। और वो अपना मकसद पूरा करने के लिए सिवाना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में पहुँच जाता है, जहाँ उसके फादर और उसके भाई की बोर्ड मीटिंग चल रही होती है और वो वहाँ जाकर सबको मार डालता है। और सिवाना अपने फादर को मारने से पहले बताता है कि वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। और तभी एक सिन उसको बताता है कि तुमसे भी पावरफुल है कोई, और अगर तुम बचना चाहते हो तो जल्दी से उसको ढूंढ लो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। तभी सीन स्विच हो जाता है रॉक ऑफ एटर्निटी की तरफ और विजिट अपनी शक्तियों को बोलता है कि उसे एक प्योर हार्ट वाला इंसान चाहिए जो सेवन डेडली सिन से पावरफुल हो और सिवाना को रोक पाए। और तभी सीन शिफ्ट होता है बिली की तरफ और वो स्कूल पहुंचता है अपने भाई बहनों के साथ और वो उनसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और उनसे दूर रहता था। और एक दिन जब स्कूल में कुछ सीनियर्स फ्रेडी को बुली कर रहे थे, तब बिली उसकी हेल्प करता है और उन लड़कों को खूब मारता है और अपने आप को बचाने के लिए भागते भागते सबवे पहुंचता है और ट्रेन में बैठ जाता है। अचानक उसे कुछ सिंबल शो होते हैं और ट्रेन में कोई नहीं दिखता और वो देखता है कि वो बिल्कुल अकेला है और कुछ ही सेकंड्स में वो रॉक ऑफ एटर्निटी में पहुंच जाता है और वहाँ उसे वही विजिट मिलता है। विजिट उसे बताता है कि उसने और उसकी पावर्स ने बिली को चूज़ किया है दुनिया को सेवन डेडली सिन से प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसका हार्ट बहुत प्योर है। वो बहुत सालों से इसी की तलाश कर रहे थे और पहले जो चैम्पियन था उसने मानव जाति को बहुत नुकसान किया है और सेवन डेडली सिंस को फ्री किया है। और वो बताता है कि उसने बहुत मुश्किल से अपने भाई बहनों के साथ मिलके इन सेवन डेडली सिंस को यहाँ कैद किया था, पर अब वो आज़ाद हो गए हैं और फिर से उन्हें रोकने के लिए एक चैम्पियन की ज़रूरत है और वो और कोई नहीं बल्कि तुम हो। और इसके साथ ही विजिट उसे अपनी मैजिकल स्टिक पकड़ने को कहता है और शज़ाम कहने को बोलता है और जैसे ही बिली शज़ाम कहता है, वो एक उस सुपर हीरो में बदल जाता है और विजिट राख हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। और तभी बिली डर के वहाँ से भाग जाता है और वो मैजिकल स्टिक को वहीं छोड़ देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि रोज़ा और विक्टर बाकी बच्चे काफ़ी परेशान हैं क्योंकि बिली अभी तक घर नहीं लौटा था। और तभी बिली फ्रेडी के पास जाता है और विंडो से उसे इशारे से बुलाता है और विश्वास दिलाता है कि वो ही बिली है और फ्रेडी को बोलता है कि सबके सोने के बाद वो उससे बाहर आके मिले। बिली जानता है कि फ्रेडी उस पर ट्रस्ट ज़रूर करेगा क्योंकि वो सुपर हीरोज़ में बहुत बिलीव करता है और वो फ्रेडी का बाहर वेट करता है। जब सब सो जाते हैं, फ्रेडी बाहर जाता है और वो बिली से बोलता है कि तुम बिली नहीं हो सकते क्योंकि तुम तो बिल्कुल उसके जैसे नहीं दिख रहे। तब बिली उसे ट्रस्ट दिलाने के लिए कहता है कि तुम्हारे पास एक सुपरमैन बुलेट थी जो तुमने मुझे दी थी, और बिली उसे दिखा ही रहा होता है कि तब वो गोली कहीं गिर जाती है और फ्रेडी को ट्रस्ट हो जाता है कि बिली सच बोल रहा है। बिली और फ्रेडी बहुत एक्साइटेड होते हैं, वो अपनी पावर्स के बारे में जानना चाहता है और एक्सप्लोर करना चाहता है। और तभी उसे अपने सामने एक चोर और एक लेडी दिखाई देती है और वो उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है और उस टाइम उस लेडी की हेल्प करते हुए उसे रियलाइज़ होता है कि वो अपने हाथों से बिजली निकाल सकता है और जिस लेडी की उसने हेल्प की थी वो ये सब देखकर काफ़ी डर जाती है और फ्रेडी और बिली को कुछ पैसे देती है और भाग जाती है।
उसके बाद ये दोनों एक सुपर स्टोर में जाते हैं और वहाँ भी कुछ चोर आ जाते हैं और बिली उन्हें रोकने की कोशिश करता है और चोर शज़ाम पे शूट कर देते हैं और तब वो रियलाइज़ करता है कि उसमें बुलेट रेजिस्टेंस भी है और सुपर स्ट्रेंथ एंड स्पीड भी। वो लड़के उस पर गोलियाँ चलाए जा रहे थे पर उसे कुछ नहीं हो रहा था और बुलेट चपटी हो के ज़मीन पर गिर गई। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि बिली और फ्रेडी घर पहुँच जाते हैं और तब डार्ला उन दोनों को देख लेती है और बिली को शज़ाम के रूप में देख बहुत एक्साइटेड हो जाती है और चीखने लगती है। तभी बिली उसे रोक लेता है और उसे बात करते करते एकदम से शज़ाम बोलता है और वो वापस बिली बन जाता है और तब उसे रियलाइज़ होता है कि वो शज़ाम बोलकर अपनी आइडेंटिटीज़ को स्विच कर सकता है और अब ये सीक्रेट बिली और फ्रेडी के अलावा डार्ला भी जानती है और बिली उसे इस बात को टॉप सीक्रेट रखने के लिए बोलता है। अब शुरू होती है बिली और फ्रेडी की एक्साइटमेंट और अब वो स्कूल बंक कर किसी टेरेस पर जाते हैं और शज़ाम अपनी पावर्स के बारे में जानना चाहता है और वो तो एक्साइटमेंट में ये टेस्ट करना शुरू कर देता है और ये टेस्ट करते टाइम फ्रेडी इसकी वीडियोस भी बनाता है और यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते ये वीडियोस वायरल हो जाती हैं और शज़ाम काफ़ी फेमस हो जाता है और ये सब बिली बहुत इंजॉय कर रहा था और वो मोस्टली अब शज़ाम बनकर घूमता था और लोगों की मदद करता था और एक दिन अपनी फॉस्टर होम सिस्टर मैरी का एक्सीडेंट होने से भी बचाया था। शज़ाम इन पावर्स के मिलने से बहुत खुश होता है और अपनी पॉपुलैरिटी बहुत इंजॉय करता है और इवन फ्रेडी भी इससे बहुत खुश और एक्साइटेड होता है। एक दिन जब वो स्कूल में होते हैं तब फ्रेडी को वो सीनियर लड़के दोबारा से बुली करते हैं और तब फ्रेडी उन्हें बता देता है कि शज़ाम उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो उसे किसी भी तरह के पंगे ना लें। तब वो लड़के उसे कहते हैं कि अगर वो इतना अच्छा फ्रेंड है तो उसे स्कूल बुला लो और फ्रेडी उनकी बात मान लेता है और इसके बाद बिली और फ्रेडी की एक लड़ाई भी हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने डिसाइड किया था कि वो ये सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं फ्रेडी और बाकी स्टूडेंट्स कैंटीन में शज़ाम का वेट कर रहे होते हैं पर वो नहीं आता तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और वो सीनियर लड़के उसे दोबारा से परेशान करने लगते हैं और तभी फ्रेडी गुस्से में वहाँ से चला जाता है शज़ाम को ढूंढने के लिए और वो देखता है कि वो लोगों के साथ सेल्फी ले रहा है और अपनी पावर्स को शो ऑफ कर रहा है और उनसे पैसे इकट्ठे कर रहा है। तब फ्रेडी बिली के पास जाता है और बहुत गुस्सा होता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा था पर तुम्हें बस अपनी पावर शो ऑफ करनी है और तुम्हें और किसी की कोई परवाह नहीं है और इस वजह से तुम्हें बहुत ईगो आ गई है और उनके बीच बहुत आर्गुमेंट हो जाती है और तभी शज़ाम अपने हाथों से बिजलियां इधर उधर चलाने लगता है और एक्सीडेंटली एक बिजली जाके एक बस को हिट कर देती है और टायर फट जाता है और बस एक ब्रिज के एज पर लटक जाती है और बस नीचे बस गिरने ही वाली होती है कि तब वहाँ शज़ाम आ जाता है और बस को कैच करके सेफली उसे नीचे रख देता है और सबकी जान बचा लेता है। तभी एंट्री होती है सिवाना की जो इस मूवी का विलेन है और वो यहाँ आता है शज़ाम को ख़त्म करने के लिए। उसने न्यूज़ में देखा था कि शज़ाम ने बस को बचाया था और वो ये देखकर वहाँ पहुँच जाता है। सिवाना शज़ाम को कहता है कि वो अपनी पावर सिवाना को दे दे और तब शुरू होती है सिवाना और शज़ाम की पहली ख़तरनाक लड़ाई और सिवाना शज़ाम को आसमान में ले जाता है और वो वहाँ से उसे नीचे फेंक देता है और तब तक शज़ाम को नहीं पता होता कि वो उड़ सकता है और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरने वाला होता है तब वो रुक जाता है और उड़ने लगता है। उसके बाद दिखाते हैं कि शज़ाम एक मॉल में पहुँच गया है और सिवाना से बचने के लिए वो शज़ाम बोल के बिली बन जाता है और शज़ाम सिवाना से बच के मॉल से निकल जाता है और तभी सिवाना का ध्यान टीवी पे चला जाता है जहाँ पर न्यूज़ चल रही होती है और वो फ्रेडी और शज़ाम को लड़ते हुए देखता है और उसी समय उसकी नज़र मॉल में खड़े फ्रेडी पे जाती है और वो समझ जाता है कि फ्रेडी डेफिनेटली शज़ाम से रिलेटेड है। और तभी मूवी का सीन शिफ्ट होता है फॉस्टर होम की तरफ जहाँ शज़ाम के भाई बहन ये न्यूज़ देख रहे होते हैं और तब मैरी को भी ये स्ट्राइक होता है कि जब शज़ाम ने उसे बचाया था तब शज़ाम मैरी के बारे में काफ़ी कुछ जानता था
और वो सबसे कहती है कहीं बिली ही तो शज़ाम नहीं। और ये बात डार्ला जानती थी और वो ट्राई करती है कि वो ये सब उन्हें ना बताए, पर एक्साइटमेंट से सीक्रेट सबको बता देती है। तब बिली के भाई बहन उसके पास उसके रूम में जाते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी माँ का एड्रेस मिल गया है, और क्योंकि वो अपना पुराना सरनेम यूज़ कर रही थी इसीलिए तुम उसे ढूंढ नहीं पाए थे। और ये सुनकर बिली बहुत खुश हो जाता है और सीधा अपने माँ से मिलने उस एड्रेस पे पहुँच जाता है। और वहाँ पहुँच कर जैसे ही उसकी माँ दरवाज़ा खोलती है, बिली उसे अपने बारे में बताता है और वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और वो उसे बताती है कि उस टाइम वो बस 17 साल की थी जब उसके पिता ने हम दोनों को छोड़ दिया था, और तुम्हें अकेले संभालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और इस वजह से जब हम बिछड़े और मैंने तुम्हें पुलिस के पास देखा तो मैं वहाँ तुम्हें छोड़ के चली गई थी, क्योंकि मैं जानती थी कि वो तुम्हें एक अच्छी फैमिली में देंगे जहाँ तुम बहुत खुश रहोगे और तुम्हें सब मिलेगा जो तुम डिज़र्व करते हो। और ये सब सुन के बिली बहुत अपसेट हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, और वो मान लेता है कि फॉस्टर होम ही उसका घर है और वो सब उसकी फैमिली हैं। वो जैसे ही वहाँ से निकलता है तभी फ्रेडी का कॉल आता है और पीछे सिवाना की आवाज़ आती है, और बिली समझ जाता है कि उसके भाई बहन खतरे में हैं। और वो टेरेस पे जाके ज़ोर से बोलता है शज़ाम और घर पहुँच जाता है सबको बचाने के लिए। तब दिखाते हैं कि सिवाना शज़ाम से कहता है कि वो अपनी सारी पावर्स उसे दे दे वरना वो सबको जान से मार देगा, और शज़ाम के पास अब कोई रास्ता नहीं रहता और वो उसे अपनी पावर्स देने के लिए मान जाता है, क्योंकि शज़ाम की मैजिकल स्टिक रॉक ऑफ इटर्निटी में रह गई थी। तो वो सिवाना के साथ वहाँ जाता है और स्टिक उठा के जैसे ही शज़ाम अपनी पावर्स ट्रांसफ़र करने जा रहा होता है तभी उसके भाई बहन वहाँ पहुँच जाते हैं, और फ्रेडी अपने बैटरैक से सिवाना के सर पर अटैक कर देता है और उसके सर से खून आने लग जाता है, लेकिन सिवाना अपनी पावर से उस चोट को हील कर लेता है। 7 डेडली सिन से उसे ये सारी पावर्स मिली थी, और शज़ाम को समझ आ जाता है कि उन सिंस के बिना ये बस एक नॉर्मल इंसान है। मौका देखकर शज़ाम सिवाना पर अटैक करता है और सिवाना बेहोश हो जाता है, और वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और रॉक ऑफ एटर्निटी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। और तभी उसके भाई बहन शज़ाम से पूछते हैं कि लास्ट टाइम तुम जब यहाँ आए थे तो तुम यहाँ से कैसे निकले थे, तो उसने बताया कि उसने बस ट्रेन को इमेजिन किया था और वो वहाँ वापस ट्रेन में पहुँच गया था, और अब वो एक स्ट्रिप क्लब इमेजिन करते हैं जहाँ बिली और फ्रेडी जाते थे, और ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके पीछे पीछे सिवाना भी वहाँ पहुँच जाता है। और सिवाना से बचते हुए ये लोग सामने चल रहे एक विंटर कार्निवल में चले जाते हैं और छुप जाते हैं, और तब सिवाना आसमान से चीखता है कि शज़ाम बाहर आ जाओ वरना मैं कार्निवल में मौजूद सभी लोगों को मार डालूंगा, और सबकी जान बचाने के लिए वो बाहर आ जाता है। और सिवाना और शज़ाम की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो अपने अंदर से 6 सिंस को बाहर निकालकर उसके भाई बहनों को पकड़ने के लिए कहता है और धमकाता है कि अगर उसने अपनी पावर्स उसे नहीं दी तो वो उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर देगा। शज़ाम के सामने होता है सिवाना और उसके भाई बहन जिन्हें डेडली सिंस ने पकड़ा हुआ था, और शज़ाम के पास इस मोमेंट में और कोई रास्ता नहीं बचता और वो डिसाइड करता है कि वो अपनी पावर सिवाना को दे देगा। पर अचानक उसके दिमाग में विजिट के वर्ड्स घूमने लगते हैं। विजिट ने उसे बोला था कि शक्तियाँ तभी बढ़ेंगी जब इन शक्तियों को बांटा जाएगा, और उसने ये भी बोला था कि उसके भाई बहन भी इन शक्तियों को पाने का वेट कर रहे हैं। और तभी शज़ाम सिवाना को धक्का देता है और अपने भाई बहनों को स्टिक पकड़कर शज़ाम बोलने को कहता है, और वो मैजिकल स्टिक तोड़ देता है और उन सब में भी बहुत सी पावर्स आ जाती हैं और वो भी सुपर हीरो बन जाते हैं, और वो सब मिलके 6 डेडली सिंस को मार डालते हैं। और शज़ाम जाता है सिवाना के पीछे आखिरी डेडली सिन को मारने के लिए, और वो सिन को प्रोवोक करता है सिवाना की बॉडी से बाहर आने के लिए, क्योंकि उस सिन के बाहर आते ही सिवाना इंसान बन जाएगा और उसे पकड़ना आसान हो जाएगा, और सिन प्रोवोक हो के सिवाना की बॉडी से बाहर निकल जाता है और शज़ाम उसे मार देता है।
शज़ाम फिर सिवाना को कार्निवल में लाता है और उसकी आंख में से आई ऑफ सिन निकाल लेता है और सिवाना में अब कोई पावर नहीं रहती और सारी पावर आई ऑफ सिन में आ जाती है और शज़ाम और उसके भाई बहन मिलके आई ऑफ सिन को रॉक ऑफ इटर्निटी में रखाते हैं और सब साथ मिलके फैमिली की तरह रहने लगते हैं। लास्ट सीन में फ्रेडी स्कूल में अपने भाई बहनों के साथ बैठा था और तब आता है एक सरप्राइज कैंटीन में। बिली आता है शज़ाम के रूप में और वो भी सुपरमैन के साथ और ये देखकर सारे बच्चे बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में सिवाना को जेल में बंद दिखाते हैं और वो वही सिंबल्स दीवार पे बनाता दिखाई देता है और तभी वहाँ आ जाती है टॉकिंग कैटरपिलर और वो उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कहती है इन सिंबल्स के अलावा भी और भी तरीके हैं पावर्स पाने के और मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंड वी आर होपिंग कि शज़ाम की नेक्स्ट मूवी इससे भी ज़बरदस्त होने वाली है। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड होप आपको हमारी मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बहुत से गिव अवेज जीतने के चांस बिल्कुल ना छोड़ें। नेक्स्ट वीडियो में दूसरी मूवी के साथ मिलते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं उसे भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। Keep watching and sharing our videos and continue to give your love and support to our channel.